पर इन्होंने चाची ने जैद को इतना ज्यादा मुंह लगा लिया कि वो लड़का दिल्ली के बिना रह वो फिर से यहाँ पे आने की जिद कर रहे हैं। सुबह के 4:10 हो गए हैं और साथ तक जा रहे हैं हनुमान मंदिर। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं नीचे गेट लगाने के लिए मेरे को बुला लिया करा अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। हेलमेट ले लिया? हाँ, हेलमेट है। चलो ठीक, ध्यान से आइयो, ठीक है? आराम आराम से आइयो, कुछ खा लिए फोटो है? नवरात्रि है। रखा है फास्ट? रखा है? नहीं फास्ट नहीं रखा, पर फिर बाहर पता नहीं होता ना क्या हाल है। चल ठीक है, बाय। तेरा फ्रेंड खड़ा हुआ हो रहा है। गाइस गुड मॉर्निंग करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। जय माता जी बोलकर आप सभी को हैप्पी नवरात्रे। हमने माता रानी का जो सिंहासन लेकर आए थे वो बिछा दिया, बस मंदिर की सफाई हो रही है, सारी मूर्तियाँ हुई है, वहाँ स्नान करा के मंदिर को अच्छे ढंग से क्लीन कर दिया है, अच्छे तरीके से साफ कर दिया, अच्छे तरीके से बिल्कुल एकदम क्लीन क्लून करके बस अब मूर्तियाँ वगैरह को स्नान करा के उसके बाद मंदिर में लगाते हैं, फिर पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। जय माता दी, जय करा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। दुकान पे भी मंदिर में जोत जला लिया हमने। तो गाइस बस मैं शॉप पर आ गया तो मैंने मंदिर में भी जोत वगैरह जला दी, पूजा कर ली है और अब बस अब दोपहर को घर जाने की तैयारी होगी। और पेट वाले भाई साहब आने वाले हैं, अभी फोन आया था और सुबह सुबह काम बहुत जाने वाला। हाँ जी गुरु जी, बस बढ़िया। कुर्ता पजामा लेने आए हो क्या? तो गाइस ईद के बड़े सारे लोग आ रहे हैं अभी मिलते हैं आपको। ईद मनाने जा रहे हो गाँव? कब जा रहे हो? हम भी आ गए। अच्छा आप भी आ गए हो ईद मनाने? चलो भैया ईद बहुत मुबारक हो। ये बना दिया हमने ईद का कुर्ता अल्ताफ भाई का। सही लग रहा है अल्ताफ भाई? बढ़िया लग रहा है एकदम। अगर फिटिंग करानी फिटिंग करा लो, वैसे सही है, पूरी कढ़ाई हो रखी है हैंड पे, यहाँ पर भी कढ़ाई है, यहाँ पर भी कढ़ाई है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आपका भी सेम बना ना एकदम? हाँ सेम ही बना हुआ, बढ़िया कुर्ता बना हुआ, एक नंबर का। एक नंबर का एक निकाल दे, बिल्कुल लाल एकदम। दो निकाल दे, बढ़िया बढ़िया। दो किलो के दो निकाल दे। आज मैं बनाने लगा हूँ शाही पनीर, वो भी वर्त वाला शाही पनीर बनाने लगा हूँ। बिल्कुल सिंपल बेसिक चीजें बनेंगी और ग्रेवी होगी, टमाटर और अदरक की ग्रेवी होगी। मैंने कहा चलो यार वर्त शुरू हो गए हैं, बिना लहसुन और प्याज का खाना बनाया जाए। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं शाही पनीर की। शाही पनीर की रेसिपी में बताता हूँ आपको, ठीक है जी। तो गाइस सबसे पहले मैंने ले लिया है 4 टमाटर, मेरे पास 250 ग्राम पनीर है, 4 टमाटर ले लिए हैं, थोड़ा सा कद्दूकस करके अदरक डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया। इसके मिक्सी में बनाएंगे पेस्ट। तो गाइस कढ़ाई में रख दिया मैंने सनफ्लावर ऑयल और इसमें मैंने डाल दी है जीरा, और जीरा अभी भून रहे हैं, हल्का सा ब्राउन होगा उसके अंदर डालेंगे टमाटो और अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट। जीरा हमारा भून रहा है बढ़िया से, साथ मैंने डाल दिया ग्रीन चिली और टमाटो की। तो ग्रेवी हमारी बढ़िया सी बन रही है, टमाटर अदरक और हरी मिर्च अच्छी तरीके से ग्रेवी बन रही है। ग्रेवी बनाने के लिए ना हमें थिकनेस और चाहिए, क्योंकि प्याज नहीं है इसमें, लहसुन नहीं है। जब मेन जो ग्रेवी होती है शाही पनीर की, प्याज की ग्रेवी होती है, टमाटो की भी होती है, और इसीलिए मैं आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ। ब्लैक पेपर है, हल्दी है, नमक है और मिर्च है, बस सिंपल से मसाले हैं। इसमें डाल दिया मैंने सेंधा नमक, डाल दिया मैंने लाल मिर्च, डाल दिया हल्दी, डाल दिया और ब्लैक पेपर डाल दिया, 4 चीज़ें डाल दी हैं। ग्रीन चिली उसमें गई हुई है, दही है या दही के अंदर करेंगे मिक्स। दही डाल के मैंने अच्छा सा पेस्ट बना के रख दिया है और पनीर जो टमाटर का था ऐसे टमाटर पक रहा हमारा। तो गाइस टमाटर अच्छी तरीके से पक चुका है, बस अब बारी है इसके अंदर जो दही के अंदर हमने पेस्ट बनाया था। ये दही में डालने से ये है कि एक तो जलेगा नहीं और थोड़ी सी ना थिकनेस आ जाएगी, टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा इसमें। अगर इसमें आप चाहो तो मलाई भी डाल सकते हो, लास्ट में थोड़ी सी मैं मलाई डालूंगा, क्योंकि व्रत में मलाई भी खा लेते हैं, दही भी खा लेते हैं, पनीर भी खा लेते हैं। और बिल्कुल सेंधा नमक से बना पनीर हमारा आ गया बॉक्स में है, पनीर को करेंगे। तो पनीर मैंने कट करके रख लिया है, दही ये रहा और टमाटर का क्या हाल चाल है भाई? सब टमाटर हमारी ग्रेवी पक चुकी है ऑलमोस्ट। गाइस टमाटर हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, अब बारी है इसमें जो ये दही वाला पेस्ट है ये डालना। तो गाइस बढ़िया सी ग्रेवी हमारी पककर तैयार हो चुकी है, अब बारी है इसमें मलाई डालना। बहुत ही जल्दी रेसिपी बनने वाली है अब ये वाली। ऑयल बिल्कुल सरफेस पे आ चुका है अच्छे तरीके से, दही टमाटर अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन नहीं है इसके अंदर, वट वाला है, ये बनकर हो चुका तैयार। अब इसमें हल्का सा दूध और हल्की सी मलाई डालेंगे, थोड़ी सी रिचनेस आ जाए और ये आप वर्त में आराम से खा। गाइस ये मसाला पक चुका है, अब इसमें बारी है मलाई और थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, मलाई और थोड़ा सा दूध डालिए ताकि रिचनेस आ जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। गाइस मलाई डालने से, दूध डालने से इतनी अच्छी रंगत आ गई है, पता ही नहीं लग रहा कि इसके अंदर प्याज और लहसुन नहीं डाला हुआ है। फर्स्ट क्लास ग्रेवी भी देखो,
डालने से क्या थिक ग्रेवी एकदम तैयार हुई है हमारी मसाले वाली, बस अब इसमें जाएगा पनीर। गाइस बढ़िया सा मसाले वाला पनीर होने वाला तैयार। पनीर मैंने डाल दिया, बड़े बड़े से चंक्स डाल दिए पनीर के, अब थोड़ी देर पकाएंगे इसे। और जल्दबाजी वाला काम ना बेकार वाला होता है। देखो आज जल गया पूरा का पूरा, मेरा गरम गरम था, मुझे पता नहीं था। जल्दबाजी करते हो। अरे मुझे पता नहीं था, मैंने गरम गरम ऐसे पकड़ लिया साइड में से और वो बिल्कुल हाथ में लग गई मेरे। चलो कुछ अंदर खाना बनाते थोड़े थोड़े रख दिया यार, बर्फ लगा ली मैंने। तो गाइज हमारा जो पनीर है शाही पनीर बनकर हो चुका है तैयार। ये मैडम ने रखे हैं फास्ट, फुल फास्ट रखे हुए सारे के सारे, मैंने नहीं रखा हुआ, सार्थक ने नहीं रखा। मैं सोनिया भाभी भैया और बच्चे रखते हैं दोनों। सोनिया भाभी ऋषि त्रिदम और बड़े भैया मन भैया वो तो शुरू से ही सारे फास्ट रखते हैं। बिल्कुल, जब से बच्चे उनके रखने लगे तब से ही रखते हैं। हमारे बच्चे एक एक रखते हैं, हम लास्ट में रखते हैं, भाई साहब रखते हैं। मेरे से तो रहा नहीं आता, भूखा सीधी सी बात है भाई। बच्चों से रहा जाता है पर बच्चों को इसलिए नहीं खा, काकू छोटा है कुछ भी खा लेगा। सार्थक जिम जाता है इसलिए वो डाइट वाला खाना इतना ज्यादा नहीं खा सकता। तो गाइस पनीर हमारा बनकर हुआ है। क्या हाल चाल है, क्या मस्त वाला ग्रेवी या कलर आया हुआ है, क्या बढ़िया सा पनीर हमारा बनकर हो चुका है तैयार। हमारा जो शाही पनीर है वो बनकर हो चुका है रेडी बढ़िया सा। आपको दिखाता हूँ, डॉली लंच बना रही है, फटाफट लंच करते हैं हम। दही का रायता हमने डाल दिया है बढ़िया सा, अचार प्लेटिंग, अचार प्लेटिंग कर दी है, सारी चीजें कर दी है, ठीक है जी। और बस खाना खाने की हो गई। ये देख लो क्या मस्त वाली जो कलर आया एकदम। गाइस ये बन गया है व्रत वाला शाही पनीर। अब डोसा बनाएंगे, डोसा बनाएंगे मखाने का, साबूदाने का, स्वांग के चावल का और दही का मिक्स करके आलू की स्टफिंग वाला डोसा बनाएंगे एक दो दिन में बढ़िया। बस लंच की तैयारी हो चुकी है, लंच करते हैं। और बैड वाले का ट्रॉली फोन आ गया, बैड वाले भैया आ रहे हैं वो बैग को फ्रंट लगाने के लिए। ट्रॉली वाले का कैबिनेट वाले का फोन आ गया, भैया कैबिनेट तैयार है, अलमारी भी तैयार है, अब सब तैयार हो गया है। अब भैया सामान के चक्कर में डॉली ऐसे हो जाएगी मुझे लग रहा है पूरी। डॉली को अब थोड़ा सा सुकून है कि सामान सारा हमारा रेडी हो चुका है। और जो इधर-उधर रुल रहे चीजें ना वो मेरे, वो धीरे धीरे हो जाएंगी। कैबिनेट और अलमारी मंगाएंगे, कल कर्टन्स भी देखने जाएंगे। कल थोड़ा सा मार्केट में घूमेंगे जाएंगे और थोड़ा सा इधर उधर जाकर शॉपिंग करेंगे। बस अभी बेड वाले भैया आ रहे हैं, बेड लगाते हैं और डॉली थोड़ा सा आराम करेगी, ठीक है जी, आराम कर लियो ये थोड़ा, क्योंकि रात को 4 बज गए थे सोते सोते, मैं आपको बताऊं। और 4:15 बजे, 4 बजे थोड़ी नहीं, मैं तो जाते सात तक तो जाना था मंदिर, हनुमान मंदिर जाना था, इसलिए और ज्यादा देर हो गया। तो गाइस मैंने आपको दिखाया ना सुबह ब्लॉग में 4:15 बजे सात तक यहाँ से निकला है हनुमान मंदिर के लिए, और 6:10 या 6:12 पे वो सात तक आ गया था, ठीक है। और मतलब ये समझ लो कि 4 बजे के क्या, 4:30 के जाने के बाद 4:30 बजे मैं सोया हूँ और 7 बजे के करीब उठ गया हूँ। बस थकावट इतना हो रही है शरीर, नींद सच में बासी ही ले जाओ बस ऐसे ऐसे कर। शक्ल के 12 बजे हुए बिल्कुल एकदम। अभी जब तक फ्री नहीं होंगे ना सामान से तब 12 ही बजेगा, अभी 13-14 ऐसा बजे। तो गाइस बस यही थकावट से हो जाती है काम कुम करने की। अच्छा और हनुमान जी आए थे कल, टिप्स देकर गए हैं बहुत बढ़िया है ना। तो वो लोग कह रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, डॉली हाँ जी, हनुमान जी ये कह रहे थे हमारी हाँ सोसाइटी के अंदर, इसको बंद कर दिया थोड़ा सा। हनुमान जी और गोलू कह रहे थे हमारी सोसाइटी के अंदर ना चाचू स्कूटियां बहुत, एक दो स्कूटियां चोरी भी हुई है, और आजकल स्कूटियां बहुत जल्दी चोरी होती हैं, वो हाथ में भी नहीं आती है, स्कूटी हो बाइक हो गाड़ियां तो चलो ठीक है उनके वो होता है, और स्कूटी के अंदर एक एप्पल की ना चिप लगती है अंदर, मतलब कहीं भी आप छुपा लो अंदर स्कूटर के कहीं भी लगा दो, वो रात के मोबाइल के साथ कनेक्ट होगी, पता लग जाएगा कि आपकी स्कूटी कहाँ पर है, क्योंकि वो चोरी हो गई थी, GPRS लगा था, तुरंत पकड़ी गई है वो। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ, जो हमारे घर बहुत अच्छा आइडिया दे गई है, बहुत बढ़िया आइडिया दिया, 2-3 स्कूटियां हैं उनको चिप लगा देते हैं और बढ़िया, क्योंकि हमारे यहाँ पे चोरी भी काफी ज्यादा होती है यार। हमारी गली में तो मोटर वगैरह इतनी चोरी हो चुकी है, तो स्कूटी की चीज है आजकल, मतलब चोरी वगैरह वैसे ही बहुत होने लग गई है। तो गाइस बस अब लंच वंच करते हैं, लंच की तैयारी करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर। खड़ी है 2-3 यहाँ खड़ी है। मम्मी को आज सलाह देने वाला हूँ कि घर के बाहर जितनी स्कूटियाँ खड़ी है ना उसमें यहाँ पर इन्होंने चाची ने जैद को इतना ज्यादा मुंह लगा लिया कि वो लड़का दिल्ली के बिना रह। तो गाइस बस लंच हमारा हो चुका है, ये तू क्या कर रहा है भाई, ये देखो मेरे को चॉकलेट खिला रहा है, लगा था तुझे अभी ध्यान से चॉकलेट चॉकलेट मत खा लियो कहीं तेरा व्रत की। नहीं 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 मैं तो अभी, मेरे को अच्छी तरह याद है, वो देखो काम कर रहा है, पीछे काम कर रहा है, गैस चला रहा है, गैस जला रहे हैं किचन में कोई ना। कल की तो 12 बज गए यार, सबके वीडियो में आते हैं कल के वीडियो में आवे, मैं नेचुरल शक्ल है यार, शक्ल का क्या नेचुरल के साथ थोड़ा सा होता है ना थकावट है, थकावट है भाई साहब। ये क्या कर रहे हो आप,
और देख चॉकलेट गैस के ऊपर डायरेक्ट मेल्ट कर रहा है वो देखो। नहीं हाथ जल जाएगा, नहीं कर दिया ऐसे मेल्ट हो गया हाथ में, मेरे हाथ जल चुका है। ये देख गाइस मेरा हाथ जल चुका है, मेरा हाथ जल चुका है। चॉकलेट ना फ्रीजर में रख दिया मतलब ठंडे होने के लिए। ये लो रखो बाकी, चलो अब मुझे दे दे चॉकलेट। मेरी बारी, सॉरी चॉकलेट उठा उठा के ये खा ली। इतना बड़ा चॉकलेट पर मैं नहीं खाऊंगी कभी भी, कभी भी नहीं खाऊंगी। बढ़ते बात 9 दिन तक तो नहीं खाना ना, 9 दिन तक चॉकलेट नहीं। सिर्फ इन चारों में से मैं ही रखती हूँ, हम चारों में से, बाकी कोई भी हमारे तीन जो बंदे हैं ना भुक्कड़, खाने के अलावा कुछ करते ही नहीं है। भाषा में तो भूख भूख। गाइस देखो ये एक ना मन की भावना ही होती है, मन की भावना ही होती है। माता रानी भी कहती मेरे लिए भी कुछ रखना चाहिए ना, लास्ट में रखेंगे ना। कमाल है यार। नहीं गाइस मैं भूखा, मैं भूखा, मैं भूखा नहीं रह सकता, सीधी सी बात है। एक दिन रह सकता हूं, ज्यादा देर नहीं रह सकता। एक दिन क्या, ये तो 10 मिनट भी भूखा नहीं रह सकते। सो के उठने के बाद इनको फटाफट ब्रश करके चाय पीनी होती है, 2 रस या 2 बिस्किट खानी होती है, उसके बाद ही कोई काम कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते हम काम। अरे भूखे पेट तो कभी भी नहीं कर सकते काम, कोई भी मंदिर का काम हो तो चाय पीने के बाद नहा धोके फिर करते। पेट में पेट्रोल जाएगा तभी तो गाड़ी चलेगी यार। मेरे पापा की तरह, मेरे पापा भी बिना चाय पानी पिए बेचारे बिल्कुल बिल्कुल कुछ कहते, पेट में शांति है तो भगवान शांत है, अदरवाइज शांति नहीं होती। और वो क्या कहते हैं डायलॉग होता है, अरमान जी कह रहे थे इसको डॉली ने ना बहुत ज्यादा मूल गा लिया जैट को। अच्छा। वो दिल्ली में आने नहीं, मैं सोनिया भाभी हमारे से सच में ऊपर वो नीचे जाता ही नहीं, अगर हमें देखता ना उछल उछल के गिरता, इतना पहचान हो गया उसका। जैसे जैदू ऐसे देखिए मुंह की तरह पहले 2 मिनट उसके बाद ऐसे ऐसे करेगा, बड़ा बहुत प्यार करते हैं। तो गाइस इसके साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।